राजा चौधरी सुबे सिंह समैन जी, मन संचालन कर रहे अशोक मलिक जी, बड़े भाई बलराज कुंडू जी, मेरे सारे बुजुर्गों, युवा साथियों, महिलाओं, मैं आप सभी को राम राम करती हूँ। आज का जो इस पंचायत का मुद्दा है, हम लोग इतनी दूर से उठ उठ आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं। आप सभी को पता है 2016 में जो हुआ और 2016 से लेकर 2020 आ गया, इन सरकारों ने सिर्फ हमें चक्कर कटवाए हैं। मैं हर पंचायत में मौजूद रही हूँ, हर डेलीगेशन में मौजूद रही हूँ। जब भी सरकार के प्रतिनिधियों से हमने बात करनी चाही, हमें सिर्फ वहाँ पे तड़का दिया गया कि आप ऐसे चले जाएंगे, हम आपकी बात नहीं सुनते। यहाँ पे अभी तक जो भी मुद्दे हुए, मैं एक बात बताना चाहूंगी, हमारे 30 भाई गुजर गए, शहादत दे दी, हमारे 2000 से ज्यादा बच्चों पे आज भी मुकदमे हैं, 2000 बच्चे जो 36 बिरादरी के बच्चे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। अभी जींद में पंचायत हुई थी, कैप्टन अभिमन्यु जी ने वहाँ पे जुबान दी थी पंचायत में, वहाँ पे पंचायत ने समझौता करवाया था कि वो हमारे बच्चों को माफ कर देंगे, उन बच्चों को जिन बच्चों पे सीबीआई के मुकदमे हैं अभी तक माफी नहीं दी गई है। उसके बाद हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी माननीय खट्टर साहब से हमने मिलना चाहा, बात करनी चाहिए। इतने सारे मुद्दे आज जो पीटीआई वाले भाई भाई, आप लोग पहले परेशान नहीं हो, आपसे पहले तो सबसे बड़ा जो जाट समाज को दर्द है वो एसपीसी का मुद्दा है। अशोक मलिक जी, चौधरी सुबे सिंह समैन जी के साथ हम लोगों ने जींद में धरना दिया, हमारे साढ़े 3000 बच्चों के टेस्ट इंटरव्यू क्लियर हो रखे और उनको नौकरी नहीं दी जा रही, पंडितों के बच्चों को नौकरी लगा दिया गया, लेकिन हम फिर भी भाईचारा चाहते थे। इन लोगों को 36 बरादरी की बात करनी चाहिए, समाज में इनइक्वालिटी क्यों है? आज भी एबीपीजी को वहां पे पारित कर दिया उनका बिल, उनको ज्वाइनिंग करवाई, जाटों ने क्या गुनाह किया, इनसे पूछने वाला कोई हो? बड़े भाई बलराज कुंडू जी बैठे हुए हैं, इनसे भी इस मुद्दे पे बात हुई, इन्होंने कहा, इन्होंने हमारा साथ दिया। आज आप ये देख लो, गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, आज इन दोनों का फर्ज बनता है हमारे बच्चों के मुकदमे खारिज करे जाए, हमें आरक्षण दिया जाए। जो इन लोगों ने समझौता जिस टाइम पे हुआ था, इन लोगों ने ये कहा था कि हम लोग लिखित में समझौता करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कोई भी पंचायत से हमारे डेलीगेशन से लिखित में समझौता नहीं किया। आज मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, पूरी पंचायत की सहमति से सिर्फ आवेदन कर रहे हैं, हमारे जो पीटीआई वाले बच्चे हैं इनके सुनी जाए, उसके बाद जो एसबीसी का मुद्दा है सुना जाए, हमारे बच्चों के मुकदमे बरी किए जाए। अगर आप लोग हमारी सुनोगे, हम आप लोगों के साथ हैं, हमारी नहीं सुनोगे, जो भाषा आपको समझ में आती है हम उस भाषा के साथ है। ये मैं बिल्कुल इस मन से कह के जा रही हूँ, जिस भाषा में आप लोग बात समझना चाहते हो उस भाषा में हम लोग आपके साथ हैं। मेरे बुजुर्गों को आखिरी बार एक बात कहूंगी, पिछले इलेक्शन में आप लोगों से थोड़ी सी गलती होगी, इनकी 40 सीट आ गई, 40 से डिजर्व नहीं करते थे, आप लोगों ने गलती कर दी, तभी आज गर्मी मारे बैठे हैं, फिर तो दुखी हो रही हो। तो मारे बार का ना नौकरी नहीं, मारे बार का की हरेसमेंट, मारे बार का मुकदमे, मारे और राज्य और हम सबसे ज्यादा मेजोरिटी में बैठे सबसे ज्यादा दुखी हम लोग हैं। क्यों है? क्योंकि तुमने वोट देके बीजेपी वाले तुमने बनाए हैं, तुम सोचो तुमने क्या करना है इस सरकार से, अपना बिल्कुल इनसे खुल के बात कर लो, ये लोग क्या चाहते हैं। और मैं यहाँ पे जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं युवाओं की तरफ से अपील करना चाहूंगी, जैसे ये आदेश करेंगे वैसे हम अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।